जा रहे हो? जा रहे क्या परीक्षा दे के आए हो क्या? देखा परीक्षा का पेपर था? हिंदी का। कौन सी कक्षा में हो? टेंथ में। आज पहला पेपर था। कितनी दूर है यहाँ से डाणा खेड़ा? 15 किलोमीटर। कैसे जाओगे? अरे चलना है क्या? डीएसपी साहब परीक्षा केंद्रों का जायजा लेने निकले हुए थे। रास्ते में उन्हें कुछ छात्र मिले, जिसके बाद डीएसपी संतोष पटेल ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और उनके घर तक पहुंचाया। हालांकि इसी दौरान उन्हें कुछ और छात्र मिल गए। फिर क्या था, डीएसपी साहब उन बच्चों को भी परीक्षा देने का सलीका सिखाने लगे। परीक्षा देने आपकी तरह जाना चाहिए इनके जैसे? मेरी तो नहीं जाना चाहिए, जिससे लगे कि स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है, ना कि इनकी तरह जो शादी का खाना खाने जा रहे हैं, भंडारा खाने। ये होती एग्जाम की पहचान। एग्जाम में क्या क्या होना चाहिए अपने पास? ये पेन पेंसिल होने चाहिए, एडमिट कार्ड होने चाहिए, पैड होना चाहिए। दिखाओ तुम लोग। पैड की जरूरत नहीं होती ना? पैड नहीं है। कुछ लोग चक्का जाम से डरते हैं, कुछ लोग निजाम से डरते हैं, और जो साल भर तफरी काटते हैं वो लोग एग्जाम से डरते हैं। तो जो साल भर पढ़ाई करते हैं वो कभी एग्जाम से नहीं डरते। यूनिफॉर्म पहन के जाना चाहिए कि ऐसे जाना चाहिए? यूनिफॉर्म। ये गलती है ना। अगले पेपर से जाओगे ना? हिंदी का था, तुम लोगों ने हिंदी को ऐसी समझ के रखा ना। एग्जाम का समय चल रहा है और मेरा विद्यार्थियों को यही सलाह है कि परीक्षा में नकल ना करें, क्योंकि नकल हमारे कल को भविष्य को खराब करता है। और यदि नकल करने का शौक है तो परीक्षा के अलावा साल भर आप किताबों की नकल करके अच्छे नोट्स बनाएं और अपने नोट्स की नकल करके अपने दिमाग में भर लें, ताकि आप परीक्षा में बैठे तो बिल्कुल फोटो कॉपी मशीन की तरह लिखना शुरू कर दें। और परीक्षा का अर्थ होता है पर इच्छा, यानी पराई इच्छा। हमें पराई इच्छा मालूम नहीं होती, इसलिए मन में संशय रहता, भय रहता है। जैसे ही हम प्रश्न पत्र देखते हैं तो आत्मविश्वास से हम खुश हो जाते हैं कि अब तो मैं पूरा कर लूंगा। तो बस हम आप तैयारी के साथ जाएं और जैसी ही हमें प्रश्न पत्र मिलता है तो बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ और रॉकेट की तरह जवाब लिखना शुरू करें। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। डीएसपी संतोष पटेल सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। आए दिन उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। वो हमेशा वीडियो के माध्यम से जनता को जागरूक करते नजर आते हैं। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट।